प्रतापगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरीके से निराधार हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। मनीष सिसोदिया पूरी जांच में सहयोग करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं कश्मीर में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में विनोद सोनकर ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद से ही लगातार अपराध में कमी आई है। ये तो केवल राजनीतिक हताशा नहीं आशा है। सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती है, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पे ही सीबीआई गिरफ्तार करती है और उनको अगर न्यायपालिका पे भरोसा है तो लड़ाई लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक लंबे समय से कश्मीर में ये घटनाएं घटी हैं लेकिन आपने देखा है कि कश्मीर में लगातार हालात सुधर रहे हैं। एक दौर वो भी था कि आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा का ध्वजारोहण नहीं हो सकता था और आज कश्मीर का कोई इलाका नहीं बचा है जहां पे लोग उत्साह के साथ, जोश के साथ और स्वयं राहुल बाबा ध्वजारोहण करके आए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर में हालात लगातार